देखिए आज मैं आपको जो डिज़ाइन डालकर दिखाऊंगी वो इस तरह से डलेगा। इसमें हमने एक फंदा ग्रीन का लिया है, पांच फंदे क्रीम, इसमें तीन कलर यूज़ होंगे और ये डिज़ाइन सीधी और उल्टी दोनों सिलाई पर डलेगा। अब ये देखिए, ये फंदा एक है ग्रीन, अब ये उल्टी सिलाई पर तीन हो जाएंगे। देखिए इस तरह ये ग्रीन फंदे तीन हो गए, अब ये क्रीम फंदे भी तीन रह जाएंगे। फिर ये फंदे तीन ग्रीन हो जाएंगे। ग्रीन फंदे कम होते जाएंगे और ग्रीन फंदे बढ़ते जाएंगे। देखिए अब ये ग्रीन फंदे थ्री हो चुके थे, अब ये फाइव हो जाएंगे। अभी हमारा क्रीम फंदा वन हो गया। देखिए अब ये ग्रीन फंदे फाइव हो चुके हैं, अब उल्टी सिलाई को हमें पूरी ग्रीन बुनाई करना है। देखिए अभी पूरी उल्टी सिलाई मैंने ग्रीन बुनाई की है, अब हम इसमें तीसरा कलर लगाएंगे। पांच फंदे हमें ये ग्रीन बुनाई करने हैं। अब ये फंदा जो क्रीम के ऊपर ग्रीन है इसे हमने पिंक करना है। आप अपना कोई सा भी फेवरेट कलर लगा सकते हैं। फिर हमें पांच फंदे ग्रीन बुनाई करने हैं। फिर इस फंदे पर ये पिंक कलर है।
फिर पांच फंदे ग्रीन, जिस तरह ये ग्रीन फंदे बढ़ते गए थे अब ये पिंक फंदे बढ़ते जाएंगे। अब ये तीनों फंदे पिंक हो जाएंगे। फिर ये तीन फंदे पिंक हो। देखिए अब ये थ्री थ्री फंदे हो गए, पिंक थ्री ग्रीन थ्री। अब ये पिंक फंदे हमारे फाइव हो जाएंगे, वन फंदा ग्रीन बचेगा। अब हमें ये फंदे फाइव कर देने हैं। एक फंदा ग्रीन, देखिए अब हमारे ये पिंक फंदे फाइव हो चुके हैं। अब हमें उल्टी सिलाई पूरी पिंक बुनाई करनी है। जब कोई भी फंदा फाइव हो जाएंगे, कोई सा भी कलर के फंदे, तब हमें एक उल्टी सिलाई पूरी उसी कलर की निकालनी होगी। पूरी सिलाई हमें उल्टी बुनाई करनी है पिंक कलर से। देखिए एक सिलाई मैंने पिंक कलर की उल्टी उतार दी। अब हमारा ये क्रीम कलर इसमें लगना है। अब ये इस साइड धागा था तो हमने एक सीधी सिलाई और इसी पिंक कलर की उतार दी। अब हम
पीछे पिछली उल्टी सिलाई से ये बुनाई डालेंगे। उल्टी सिलाई पर बुनाई डालने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए ये ग्रीन धागा अलग ही दिखाई दे रहा है, इस धागे पर ये क्रीम फंदा आएगा। फिर ये पांच फंदे पिंक हो गए और एक फंदा ये क्रीम, फिर पांच फंदे पिंक, फिर एक फंदा क्रीम। हर कलर उसी तरह से बढ़ता जाएगा जिस तरह पहली सिलाई पर मैंने आपको बताया था। देखिए अब ये एक फंदा क्रीम हो चुका है, पांच फंदे पिंक हैं, अब ये तीन फंदे क्रीम हो जाएंगे। अब ये तीनों फंदे क्रीम हो जाएंगे, तीन फंदे पिंक। जिस कलर की हम शुरुआत करते हैं लगाने में वो फंदे हमें पांच तक करने होते हैं। देखिए अब ये तीन फंदे क्रीम हो गए, अब ये उल्टी सिलाई पर हमारे तीनों फंदे ये पांच हो जाएंगे क्रीम। अब एक फंदा हमारा पिंक रह गया और ये क्रीम फंदे पांच हो गए। देखिए अब ये पांच फंदे क्रीम हो चुके हैं, अब हमें ये सीधी और सीधी सिलाई पूरी क्रीम बुनाई करनी है। देखिए अब मैंने ये पूरी सीधी सिलाई क्रीम बुनाई की है, अब हमें उल्टी सिलाई भी पूरी क्रीम बुनाई करनी होगी क्योंकि हमें ये धागा लगाना है पिंक,
ये धागा इस साइड आएगा तो हमें इसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम एक सिलाई उल्टी और क्रीम बुनाई कर देंगे। देखिए मैंने दो सिलाई सीधी और उल्टी क्रीम की बुनाई की है। अब हमें ये पिंक कलर फिर लगाना होगा डिज़ाइन डालने के लिए। क्रीम के ऊपर और नीचे ये पिंक आएगा जो भी कलर आप लगाएंगे। ग्रीन कलर हमारा शुरू और एंड में आएगा। अब ये पिंक फंदे उल्टी सिलाई पर थ्री हो जाएंगे। देखिए अब ये पिंक फंदे तीन हो चुके हैं, अब ये पांच हो जाएंगे। क्रीम फंदा एक रह जाएगा। देखिए अब ये पिंक फंदे पांच हो चुके हैं, अब उल्टी सिलाई में पूरी पिंक बुनाई करूंगी। ये पूरी सिलाई पिंक बुनाई करनी है। देखिए मैंने ये एक उल्टी और सीधी सिलाई पिंक बुनाई की है।
अब उल्टी सिलाई पर मैं ग्रीन से डिज़ाइन डालूंगी। क्रीम के ऊपर पिंक, नीचे पिंक, ग्रीन शुरुआत में और एंड में ग्रीन, जो भी कलर आप लगाएंगे। इस तरह से देख लेना है, इस फंदे पर ही दूसरा कलर आप लगाएंगे, जो ये आखिरी फंदा होगा। देखिए अब ये ग्रीन फंदे फिर 3 हो जाएंगे, अगली सिलाई उल्टी पर ये 5 हो जाएंगे। वही तरीका है जो नीचे से मैं बताती चली आ रही हूँ। अब ये फंदे ग्रीन 3 हो जाएंगे। देखिए अब ये हमारे ग्रीन फंदे 5 हो चुके हैं, पिंक फंदा 1 रह गया। बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये। देखिए अब ये ग्रीन फंदे 5 हो चुके हैं। अब हमें ये सीधी सिलाई पूरी ग्रीन बुनाई करनी है। पूरी सीधी सिलाई हमें ग्रीन बुनाई करनी है। देखिए हमने पूरी सिलाई एक सीधी बुनाई की, फिर उल्टी सिलाई पर हमें फिर से क्रीम कलर लगाना है। 5 फंदे ग्रीन, फिर 1 फंदा क्रीम। देखिए ये पूरा डिजाइन तैयार है। ये क्रीम मैंने उल्टी और सीधी पूरी क्रीम सिलाई बुनाई की है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा डिज़ाइन और ऐड होना है। वो आप किस कलर का ऐड करेंगे वो आप अपने चॉइस से कर सकते हैं। मुझे ग्रीन ऐड करना है। देखिए इसमें ये इसी तरह से 5 फंदे क्रीम और 1 फंदा ग्रीन लिया।
देखिए इस तरह। अब हमें अगला डिज़ाइन जो इसमें ऐड करना है वो हमें इस फंदे या फिर इस फंदे, इन दोनों तीनों फंदे के बीच लेना है। एक फंदा हमें बीच का छोड़ देना है। इस फंदे पर शुरुआत करेंगे, इस पर, इस पर। देखिए ये फंदा ग्रीन हो गया और ग्रीन फंदा क्रीम हो गया। एक फंदा ग्रीन हो गया, फिर और फंदे हमें क्रीम बुनाई करने हैं। देखिए क्रीम फंदा ग्रीन, ग्रीन फंदा क्रीम। क्रीम फंदा ग्रीन, ग्रीन फंदा क्रीम हो जाएगा, फिर ये क्रीम फंदा ग्रीन हो जाएगा। देखिए अब ये क्रीम वाला फंदा हम ग्रीन बुनाई करेंगे और क्रीम वाला फंदा क्रीम, फिर फंदा ये क्रीम वाला ग्रीन हो जाएगा और ग्रीन क्रीम। इसी देखिए ये तीन फंदे ग्रीन हैं, एक दो, ये दो फंदे ग्रीन। अब ये साथ में हमें ये फंदे भी ग्रीन लेने हैं। क्रीम को हम ग्रीन करेंगे, ग्रीन वाला क्रीम, फिर ग्रीन क्रीम, फिर ग्रीन, फिर क्रीम, ग्रीन। देखिए हमें ये चार फंदे, जिस कलर के भी आप करना चाहें वो चार फंदे तक हमें अदल बदल करने हैं। अब ये बीच वाले जो तीन फंदे हैं, ग्रीन क्रीम और ग्रीन, ये क्रीम हो जाएंगे। देखिए अब ये वाला फंदा हम ग्रीन कर देंगे और ये बीच वाले तीनों फंदे हमें क्रीम बुनाई करने हैं। देखिए अब ये तीन फंदे हमारे क्रीम हो गए हैं। अब ये पांच हो जाएंगे, से अगली सिलाई पर ये सात हो जाएंगे और इधर ये फंदे अभी बढ़ते रहेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये पांच फंदे थे, अब हमारे ये फंदे सात हो गए। सात फंदे के बाद ये हमारा डिज़ाइन इसी तरह से ऊपर बंद होने लगेगा।
जिस तरह से ये बढ़ते गए इसी तरह से ये घटते जाएंगे और ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। अब उल्टी सिलाई पर ये 7 फंदे 5 हो जाएंगे। देखिए फंदे यहाँ से हम बढ़ाते गए फिर ऊपर से इसी तरह से घटाते गए, ये हमारा खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब ये हमें पूरी सिलाई क्रीम बुनाई कर लेनी है।